संस्था ने आज ज्ञापन देकर संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली की एक संस्था मुस्लिमीन संस्था ने सरकार का विरोध प्रदर्शन करते हुए आज थाना कोतवाली के बिहारीपुर क्षेत्र में आंदोलनकारी के रूप में संस्था के वाहिद अली ने ज्ञापन देकर कहा है कि कश्मीर में कर्फ्यू हटाओ। अली ने कहा, संविधान बचाओ देश बचाओ और तानाशाही नहीं चलने देंगे। बरेली से शाहिद खान की। अरे वो जो आया थी तो सब लौट गए। यहाँ पर तो दे रहे और लोग बच्चे जो स्कूटी जा रहे हैं वो स्कूल पहुंच सके। और दूसरे मेमोरेंडम में मांग की गई है कि मॉब लिंचिंग पर जल्द से जल्द यूपी और पूरे हिंदुस्तान में सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। ये सारे मुसलमान ने बरेली की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह ये हम और डीएम साहब ने भी ये भरोसा दिलाया है कि हम इंशाल्लाह ताला ये राष्ट्रपति महोदय तक प्रधानमंत्री तक हम आपकी बात पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। और ये आवाज़ पूरे इंडिया के अंदर गूंजेगी। अब कश्मीरी मुसलमान भाइयों के लिए जो वहाँ पर 35 दिन से कर्फ्यू के अंदर हैं, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, पीने के लिए नहीं मिल रहा है, लोग रात में चैन से नहीं जी पा रहे हैं, दिन में उनको सुकून नहीं है, तो हमने मेमोरेंडम के जरिए सिर्फ दो बातों पर ध्यान दिलाया है। एक, कश्मीरी मुसलमानों को उनका हक दिलाना है, जैसे हम आज़ाद हैं वैसे वो भी आज़ाद रहना चाहिए और नारेबाजी बिल्कुल नहीं करनी। दूसरी चीज़, मॉब लिंचिंग पर कानून और जिसके साथ मॉब लिंचिंग होती है उसको कम से कम 50 लाख का मुआवजा भारत सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। और तीसरी बात, 5 साल की सजा जो भी ऐसा जालिम करता है कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इसके अलावा हम सब मुत्तहिद होकर पूरे मुल्क को पूरे इंडिया को